ढाकू वालों का डब्बा। ये कैसे चलेगा? शायद शादी को पता होगा। वे मेरी बहन को भूत चढ़ी थी, शाहजी ने एक फूंक मारा, भूत गायब। अच्छा शाहजी, शाहजी, शाहजी। आज तो इसकी उंगली गई, शाहजी को क्या पता। कैसे गई भाई, जब तक शाहजी हैं कोई मसला नहीं। अभी देखो। अरे वाह शाहजी, ये तो ठीक हो गया। वाह अकरम, हाँ बच्चा क्या मसला है? शाहजी मेरी बकरी ने दूध देना बंद किया है, अब बता मैं क्या करूं? अभी तुम खुद कुकड़ खींच खींच के जानवर बन रहा है, अपनी बकरी को क्यों नहीं खिलाता है? शाहजी शाहजी, अब तो आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बच्चा बोलो। शाहजी ये डाकू का हमें मिला है। अरे बाबा डाकू नहीं, डाकू डाकू नहीं, डाकूमेंट्री वालों का है। यार नहीं, तुमको सर जी ने तो कहा था। हाँ याद आया सर जी। हाँ शाबाश, तुमको बताया था ना, तो अभी जल्दी बताओ काम क्या है। सर जी ये पहले बोलता था, आवाज निकलता था, अभी आवाज नहीं दे रहा है, ये मर गया से क्या हुआ? आवाज नहीं आता है? नहीं, पहले बोलता था। हाँ अभी इसको हम आराम से देखेंगे देखेंगे, तुमको बताएंगे। अभी और लोग बैठाए बचा लोग, तो अभी तुम जाओ। क्या बात बचा? नहीं कर, कहाँ से लाया भाई? अगर आप में से किसी का सांस रुक जाता है तो ये तरीका आजमाएं। सांस बहाल करने के लिए बंदे को आराम से सीधा लिटा लेट जा भाई, तो लेट जा, उसके लेट पास से लोगों का रश हटा, फिर सीधे हाथ की हथेली से उसके सीने पर 3 दफा हल्के हल्के दबाएं। इस तरह आप अपने अजीज का सांस बहाल कर सकते हैं। मेरा नाम क्यों नहीं लिया? सांस तो मेरा रुकता है, अजीज कहाँ से आ गया? खस्ता खांसी बुखार से अब न घबराएं, अमरतास मुलेठी मिलाकर पकाकर उसका पानी पी लें और चंद घंटों में खुद को सेहतयाब पाएं। ये क्या था माशाल? सब्जी सब्जी एक्सपोर्ट होता है। अरे तुम इसे 3 डब्बे को जिधर से उठा के लाओ उधर फेंको। तुमने क्या ही तमाशा लगाया? अली, ओ अली। जी अब्बा। और रेडियो तरह लेके आना जो तुम लेके आए थे। अब्बा जल्दी सुन के पार करो, मुझे चलते फिरते स्कूल का प्रोग्राम सुनना है। अच्छा। शाम के 5 बज चुके हैं, अब खबरों का वक्त हुआ चाहता है। खबरों के बाद तबसरा और 6 बजे हम आपका प्रोग्राम चलता फिरता स्कूल से घर ही में टमाटर पुदीना और मिर्चें उगाने का तरीका बताएंगे। अब तो सब्जी में कुछ घर पे ही उगाऊंगा। मुल्क भर में मुर्गियाँ बीमार हो रही हैं, उनके खाने से लोगों में बीमारियाँ फैल रही हैं, और मवेशियों में भी वक्त पर टीके ना लगने की वजह से बीमारियाँ और दूध में कमी का सामना करना पड़ रहा है। अपनी गाय को टीका लगाएगा, टीका। अरे बाबा क्या हुआ, इतनी जल्दी में किधर है? अरे अरे क्या हुआ इसको? ताजी पता नहीं, कल रात ने इसको मुर्गी खाई थी, उसके बाद इसकी तबीयत खराब है। अरे मुर्गी चलिया, अरे मुर्गी का पेट का दर्द से क्या ताल्लुक है भाई? काला नमक है तुम्हारे पास? काला नमक निकालो अभी, इसको चटाए बचा देगो कितना तकलीफ में। ढूंढो जल्दी, मर जाऊंगा। हम अभी आता है, तुम इसको काला नमक चटा। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। छोड़ो ये काला नमक को, जो रेडियो ने बताया वो तुम्हें पानी में मिला कर देंगे। हाँ बाबा क्या हुआ, तुम्हारा मसला हल हुआ? मेरा मसला हल हो गया, मैं गाय को अच्छा खिला भी रहा हूँ, टीका भी मैंने लगवाया। शाबाश शाबाश। अरे टीका कौन सा? आयो जो डाकू डब्बे ने बताया था ना, वही टीका मैंने लगवाया है।
शाहजी अभी जाओ, दिमाग नहीं खराब करो। अरे तुमको बोला ना सारा मूड खराब है। शाहजी शाहजी बात क्या है शाहजी? बस ये रेडियो ने तो सबका दिमाग ही खराब कर दिया है। अरे हुआ क्या है? सिकंदर और अक्रम बोल चुके हैं कि अब हम घर में ही सब्जियां उगाएंगे, रेडियो ने सब बता दिया। मैं इतनी दूर से कंघी पंखे ये सब चीज़ें लाता हूँ और सिकंदर का बेटा आके कहता है कि ये सब मैं गांव वालों को चलते फिरते स्कूल से ही सिखाऊंगा। अरे ये सब क्या शुरू हो गया है? एक दूसरे की रोजी पे डाका। अभी तुम सब एक काम करो, नमाज के बाद फौरन सबको औताक पे बुलाओ। औताक पे बुलाओ सबको। शाहजी शाहजी उठो, शाहजी उठो, गई तुम्हारी हुकूमत। शाहजी अगर हमें पानी पिला। कुछ समझ आया है? नहीं शादी। बाबा गिलास में पानी नजर आया? नहीं। जब जग में था तब भी नजर आया? जी। अभी जब ये नीचे गिर के सूख जाएगा तो नजर आएगा? नहीं शादी। अभी तो मेरा बात गौर से सुन। बाबा जन्नत में सुकून था, अमन था। बाबा अमन सुकून किसने बर्बाद किया? शैतान ने किया। बाबा शैतान कभी नजर आता है जी। कभी नजर नहीं आता। अरे अली अपना रेडियो लेकर आ। इसको चलाओ। बाबा सबको आवाज आ रहा है? जी हां शाहजी। कहाँ से आ रहा है? रेडियो से शाहजी। पर ये रेडियो में आवाज अंदर कहाँ से जा रहा है? पता नहीं शाहजी। पता नहीं शाहजी। किसी को नहीं पता। देखो नहीं नजर आता। जैसे शैतान नहीं नजर आता है। जैसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कहता था ना कुछ तो गड़बड़ है, जब से ये रेडियो आया सभी अजीब हो गए हैं। अब करना क्या है शाहजी, तोड़ दे इस रेडियो को। मैं अपना रेडियो नहीं दूंगा किसी को। ये तेरा कहाँ से हुआ भाई? ये तो डाकू वालों का है। हाँ उनका है, जब तक वो लेने नहीं आते मैं किसी को नहीं दूंगा। ये मेरा उस्ताद है, मुझे पढ़ा रहा है। अरे कौन सा उस्ताद है? हमारे होते हुए तुमको दूसरा उस्ताद का क्या जरूरत है? और फिर तुम्हारा ये रेडियो सबका रोजी खराब कर रहा है, धंधा खराब कर रहा है। तुम्हारा रेडियो उठो बाबा, छीनो इसे रेडियो। अभी ये इधर रखो इसको। बड़ा आया नया जमाना लाता है, रेडियो लाता है। अली बेटा, अली बेटा अजीज को टमदानों कुछ हो गया है, उसने रेडियो वाली कोई चीज पी ली है। रेडियो गलत बोल नहीं सकता बेटा, छोड़ सब चीजों को जल्दी से उठ। अब मैं फोन में शादी करके पहुंचता हूँ, जल्दी से बेटा जल्दी कर। बाबा ये तूने क्या कर दिया, पागल है क्या? अरे मैंने जो रेडियो पे सुना था वही बनाकर पिलाया है। शाजी, शाजी, भी नहीं आ रहा है। अरे क्या हो गया इसको बाबा? पता नहीं चाची, मैंने जो रेडियो पे सुना था वही बनाकर पिलाया है, इसे तो होश ही नहीं रहा मुझ पे। अल्लाह शाजी कुछ मैं करता हूँ। शाजी शाजी तुम इसे छोड़ो, अपना फूंक मारो, रेडियो वालों को छोड़ो। को पता नहीं चलेगा, मेरे चलते फिरते स्कूल का सबक छूट जाएगा।
अली बाग सब आ रहे हैं, अली बाग सब आ रहे हैं।